أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مفتي بالله يا أخي. अगले ने चाय और टाइम दे रही मैं टाइम आए चलाई बैठे मैं कहे अपने साम दो अदा मैं मुस्वी भी आवाज नहीं आ रही आपकी भाई अभी बोल ही नहीं रहे मुस्लिम माइक भी नहीं हिल रहा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون واشكروا لي ولا تكفرون ترجمہ سماعت فرمائے کما کما کا مطلب اسی طرح یا اس طرح یا کہ جیسے ارسلنا ہم نے بھیجا بی میں کم تم میں کیا بھیجا رسولا ایک رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا من سے کم جو تم سے ہیں یتلو وہ تلاوت کرتے ہیں علیکم تم پر क्या तिलावत करते हैं आयातिना हमारी आयात हमारी निशानियां वमन और युज़क्कीकुम युज़क्की वो तुम्हें वो पाक करते हैं किने कुम तुम्हें वमन और वही خاص کتاب الف لام کتاب کے اوپر آئے تو ایک خاص کتاب وہ کون سی قرآن پاک وومن اور حکمت حکمت دانائی سمجھ
वमना और युअल्लिमु और तुम्हें तालीम देते हैं। ये सिखाते हूं तुम थे तालमु जाने वाले, जो तुम जाने वाले नहीं थे वो भी तुम्हें सिखाते। बा महावरा इसी तरह हमने तुम्हारे अंदर तुम्ही में से अपना रसूल भेजा जो तुम माफ करता है और तुम्हें किताब की तालीम देता है और हिकमत और दानाई सिखाता है और तुम्हें वो इसरार इसरारे मार्फत और हकीकत सिखाता है जो तुम न उजनी मेरा आज कुर मैं जिक्र करूंगा कुम तुम्हारा वमना और तुम शुक्र करो ली किसका मेरा वमना और लावना नहीं तकफुरून तुम इनकार ना करो ना शुक्री ना करो। बा महावरा सो तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद रखूंगा और मेरा शुक्र अदा किया करो और मेरी ना शुक्री اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على जी नात पढ़ रहा है कोई के पढ़ू जी? सर जी मैं पढ़ू नात? जी पहले हाफिज ख्याल साहब हैं उनसे नात पढ़वाएं। हाफिज ख्याल साहब जी बहुत प्यारी नात पढ़ते हैं हमारे
से जी माशाल्लाह माशाल्लाह आज मैं दद मांगने से कल न मानेंगे अरे कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया कोई और दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा या रसूल अल्लाह दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा सर ने वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया नेमत पाता जिस सिमत वो निशान गया साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया नेमत बांटता शुक्रिया जी सब कमाल कर दिया आपने बहुत आला जी मजा आ गया शुक्रिया जी बहुत प्यारा कलाम और बहुत प्यारी आवाज जी हाफिज साहब की तिलावत भी बहुत प्यारी है और माशाल्लाह भी बहुत प्यारी है माशाल्लाह शुक्रिया जी माशाल्लाह इस वक्त 56 हमारे पार्टिसिपेंट मौजूद हैं तो ये आपका मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने वेलनेस के लिए अपना शौक का इजहार किया वेलनेस सीखने का वेलनेस आप सीखना चाहते हैं और आप वेलनेस लीडर बनना चाहते हैं ना और आप वेलनेस रेवोल्यूशन में लीड करना चाहते हैं पूरी दुनिया को लीड करना चाहते हैं तो आप सब दोस्त जानते हैं नेक्स्ट आने वाला जो रेवोल्यूशन है वो वेलनेस रेवोल्यूशन है जो इस वक्त अपनी पीक को टच कर रहा है तो उसने अपना जो पहला संगे मिल था $1 trillion सकलेन भी क्या फिगर होती है $1 trillion तो अब ये उससे आगे की तरफ जो है वो जा रहा है तो आप और हम इस रेवोल्यूशन को और बढ़ा सकते हैं और इस रेवोल्यूशन से अपने घर में रिस्क ला सकते हैं अपने आप को प्रोफेशनल बना के अपने आप को प्रोफेशनल बना के और अपनी टीमों को प्रोफेशनल बना के तो इंशाल्लाह ताला ये सब दोस्त जो सुबह सुबह उठे माशाल्लाह आपने तकलीफ की तो इसी तरह हम सीखते रहेंगे और ये हमारी क्लास हर हफ्ते को होती है हर हफ्ते को 6 बजे क्लास होती है जिसमें हम ना कैल्शियम को डिस्कस कर रहे हैं और कैल्शियम को हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं और ऐसे डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे दोस्त जो कम पढ़े लिखे हैं तो वो भी हमारे साथ जो है वो चल सके तो आज मैं बड़ा खुश हूँ कि SM एंड अबव की माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद आई हुई है सेल्स मैनेजर एंड अबव जो है हमारी पाकिस्तान के बहुत बड़ी तादाद आई है उनका मैं बहुत मशकूर हूँ तो मैं एक दोस्त से कहूंगा कि वो जरा स्लाइड शेयर कर ले हम कैल्शियम 1 डिस्कस कर रहे थे कैल्शियम 1 की ना दूसरी स्लाइड है टाइम्स न्यूट्रेंट सुपर कैल्शियम पाउडर ये इसकी दूसरी स्लाइड है टाइम्स एक्सपर्ट ऑफ कैल्शियम आज हम ना द लास्ट ऑफ बोन हम इसके ऊपर बात करेंगे आज हम BMD के ऊपर बात करेंगे ठीक है और मेल और फीमेल की जो BMD जो है वो नेचुरली कैसे डिक्लाइन होती है इसके ऊपर बात करेंगे जी सक्राइब जी थैंक यू अरफान भाई टाइम्स एक्सपर्ट ऑफ कैल्शियम तो पीछे हमने जो है वो पढ़ लिया है कि हमारी जो कैल्शियम है ये जेम्बोलेटिव बोन कैल्शियम है
तो ये मंगोलियन गाय की बैकबोन से बायो तरीके से जो है वो हासिल की जाती है। और फिर इसमें कैल्शियम पाउडर है। ओलिगोसैक्राइड को हमने पूरा एक सेशन लगाया, ओलिगोसैक्राइड क्या है, बगैर चकनाई के मीठा है ना, ठीक है। ओलिगोसैक्राइड, पॉलीसैक्राइड, डायासैक्राइड, सारी माशाल्लाह मियां इरफान साहब की सिस्टम ने हमें बड़ी डिटेल से नोट्स बनाए। किसी दोस्त ने अगर नहीं लिखे तो हम उसकी पिक्चर बना के ग्रुप में शेयर कर लेंगे, आप अपने नोट्स अपडेट कर लीजिएगा। फिर विटामिन ए के बारे में, विटामिन डी के बारे में, विटामिन सी के बारे में हमने नोट्स लगाए बनाए, तो आयरन के बारे में नोट्स बनाए। तो इन्हीं पे हमारे ना कई हफ्ते लग गए थे, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। तो हमारी जो कैल्शियम है ये जो है इसमें सिनर्जिज्म है इन तमाम विटामिन्स का, और इसमें कैल्शियम की वही रेशो, कैल्शियम और फास्फोरस की वही रेशो रखी गई है जो अल्लाह ने हड्डी में रखी है। तो हड्डी जिस चीज की बनी हुई है उसी वही कम्बिनेशन जो है हमारे साशे के अंदर है कैल्शियम और फास्फोरस का। तो ये बहुत सारे विटामिन्स के साथ सिनर्जिकली काम करती है जिसकी वजह से इसकी पावर जो है ना और बढ़ जाती है, ठीक है। और फिर ये क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेंट नहीं है, ये ना पेट में जो है वो गुड़ गुड़ या इस तरह की फीलिंग जो है वो नहीं करती ना, इन्फेक्शन वगैरह नहीं करती, पेट को खराब नहीं करती, ठीक है। तो ये हमने पहले पढ़ा था, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और फिर इसमें चॉकलेट यूज की गई है, चॉकलेट के ऊपर भी हमने नोट्स बनाए कि चॉकलेट के क्या क्या फायदे हैं। तो हम आगे चलते हैं, माशाल्लाह आप सब लोग एक्सपर्ट हैं, तो मेरे पास तो बस थोड़ा सा लिमिटेड सा नॉलेज है, और मेरा नॉलेज अगर बढ़ भी रहा है तो आप दोस्तों की वजह से बढ़ रहा है, सब दोस्त इसमें जो है वो अपना हिस्सा डालते हैं। तो हम शुरू करते हैं जी, जहाँ पे आपने जरूरत महसूस की कोई चीज आप ऐड करना चाहें तो आप जरूर ऐड कर सकते हैं। आप वेलकम, यू आर तमाम ब्रदर्स और सिस्टर तमाम वेलकम। दी लासा बोन जी, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है लासा बोन ना, हड्डियों का जाया होना, हड्डियां कैसे जो है वो जाया होती हैं और उसकी क्या जो है वो रेशो है, ये आपको ग्राफ नजर आ रहा है। बोन मिनरल डेंसिटी सबसे ऊपर लिखा हुआ है, बोन मिनरल डेंसिटी, हड्डियों की मादिनी कसाफत जी, हड्डियों की मादिनी कसाफत। यार ये शोर आ रहा है यहाँ पे, हड्डियों की मादिनी कसाफत BMD ना, ठीक है। तो BMD के बारे में आप थोड़ा सा लिख लें, BMD क्या है, हड्डियों की मादिनी कसाफत, ठीक है, बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक है, बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक है। इसमें हड्डी की कसाफत क्या है, कसाफत जो है वो घनेपन को कहते हैं ना, आप ऊपर इसी नोट्स के ऊपर लिख लें, घनापन, गाढ़ापन, ठीक है, घनापन, गाढ़ापन, सख्ती, हड्डियों की सख्ती, ठीक है। तो हाँ, इसमें जो है हड्डियों की लंबाई आ जाती है, चौड़ाई आ जाती है, मोटाई आ जाती है, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, मोटाई, ठीक है, 2 cm by 2 cm, इसको इसको जो मेजरमेंट किया जाता है BMD को, 2 cm by 2 cm ना, के 2 cm by 2 cm के उसके अंदर चेक कर लिया जाता है BMD। अच्छा, कैल्शियम को टेस्ट करने का जो है वो ये कसाफत कैसे टेस्ट होती है, तो आपने देखा होगा वो एक डिवाइस है जिसके अंदर पाँव रखते हैं ना, तो वो BMD टेस्ट करती है, वो सही बताती है हमारी BMD क्या है ना। तो खून से कैल्शियम चेक करने का जो तरीका है ना वो ठीक नहीं है क्योंकि आप सबको पता है वेलनेस लीडर है, खून में कैल्शियम पूरी ही होती है क्योंकि हड्डियों से लोन लिया होता है ना, तो कभी भी खून टेस्ट करवा के मुतमिन नहीं हो जाना चाहिए कि कैल्शियम ठीक है ना। तो अक्सर क्या है कि हेल्थ वाले लोग जो है वो कहते हैं जी खून टेस्ट करवा लें कैल्शियम, तो वो तरीका ठीक नहीं है, तो हमें BMD चेक करवानी चाहिए, ठीक है। तो 2 cm by 2 cm चेक किया जाता है कि इसमें कितनी जो है वो कसाफत है, ठीक है। अच्छा, तो हड्डी जो है, हड्डी के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, इसके साथ आप लिख लें, हड्डियों के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम, ठीक है, इससे हड्डी जो है वो बनती है, मतलब मेन न्यूट्रिएंट्स, और भी चीजें होती हैं, मेन न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होते हैं कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम। हाँ, हड्डी कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम से बनती है,
अच्छा तो हमने क्या करना है, हमने ना BMI और BMD ठीक है इन दोनों का ख्याल रखना है। ठीक है, BMI कैलकुलेटर आप सब दोस्तों ने अपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लिया होगा मोबाइल के अंदर ना, तो आप BMI कैलकुलेटर इंस्टॉल कर ले सब लोग ना, ठीक है, और अपना और अपनी फैमिली का सबसे पहले BMI आप चेक करें ना। ठीक है, BMI के बारे में आप जानते हैं, इसको कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स के हड्डियों का और गोश्त का जो कम्बिनेशन है ना, तो एक टेबल बनाया गया हड्डी और गोश्त का कि उसका हड्डी के हिसाब से गोश्त कितना होना चाहिए, तो उसका एक इंडेक्स बनाया गया। तो हम BMI कैलकुलेटर अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लें सब लोग, और अपना अपनी फैमिली का BMI चेक करें, फिर अपने कस्टमर को जब आप सर्विस दें तो पहले BMI चेक किया करें। तो हमने अपना ना BMD और BMI ठीक है दोनों का ख्याल रखना है। अक्सर लोग ना BMI का ख्याल रखते हैं, ठीक है, लोग अक्सर BMI का ख्याल रखते हैं, BMD का ख्याल नहीं रखते। BMD का ख्याल नहीं रखते, तो BMD का ख्याल रखना है। भाई आवाज ऐसा कर लो, आवाज ऐसा कर लो सी। BMD का ख्याल नहीं रखते, BMD का ख्याल जो है नहीं रखते। अच्छा, तो बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हाफिज साहब ने ना इसको समझने के लिए ना, कि आपने ना ये भी आप लिख लें तो अच्छी बात है। आपने जो है वो देखा होगा शादियों में टेंट लगाए जाते हैं ना, तो टेंट लगाए जाते हैं तो अब जो है टेंट जो है वो टाइट उस वक्त होते हैं जब उनका जो बांस है ना वो आप जो है ना वो पूरी तरह से खड़ा होगा, बांस टाइट होगा तो फिर जो है वो टेंट जो है वो टाइट होगा। अगर बांस जरा सा ढीला हुआ तो क्या होगा, टेंट में क्या हो जाएंगे, टेंट में क्या पड़ जाएंगे। अगर बांस थोड़ा सा भी ढीला होता है या उसका साइज थोड़ा सा कम होता है तो टेंट में क्या डल जाएंगे, क्यों सर क्या डल जाएंगे सर, वो ढीला हो जाएगा ना, ऊपर से लटकना शुरू हो जाएगा, सलवटें पड़ जाती हैं सर, सलवटें पड़ जाती हैं। बिल्कुल, ये मैं चाह रहा था, सलवटें पड़ जाती हैं। ठीक है, तो सलवटें पड़ जाती हैं टेंट में ना, तो मतलब आप ये समझ जाएं कि आपको या आपकी फैमिली को ठीक है सलवटें पड़ रही है, तो आप समझ जाए तो क्या चीज डिस्टर्ब हो गई है, वो बांस जो है वो आप समझे कि वो हमारी जो है वो कैल्शियम है ना, वो हमारी बोन है, तो बोन ने जो है और टेंट जो है हमारा गोश्त है। ठीक है, तो उस बांस ने टेंट को टाइट रखना है कि रिंकल फ्री हो ना, ताकि वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ में हो। इसी तरह हमारी हड्डियां जो है ये बांस का काम देती हैं, और फिर वो जो टेंट है वो हमारा गोश्त है, तो रिंकल डर रहे हैं तो आप फौरन समझ जाए क्या चीज कम हो गई है, BMD जो है, BMD डिस्टर्ब हो गई है, तो हमें फौरन ना BMD की तरफ जो है ना वो तवज्जो जो है वो देनी है। ठीक है, तो ये आप टेंट और बांस की एग्जांपल इसके साथ लिख लें, बड़ी आसान और आम फहम एग्जांपल आप सामने दी कि जो हम अपनी टीम को समझा सकते ना। सर सॉरी, BMB किसका मुखफ्फफ बनेगा, BMB किसका मुखफ्फफ बनता है, नहीं BMD है, BMD डी है, डी 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 फॉर डॉग, बोन मिनरल डेंसिटी, ये ऊपर लिखा भी हुआ ना, देखें BMD है ना, हड्डियों की मादिनी कसाफत, के हड्डियों में मादिनियात कितनी है ना, ठीक है, और उनकी सख्ती कितनी है, कसाफत सख्ती, उनमें गाढ़ापन कितना है ना। ठीक है, तो यहाँ पे टेंट और बांस की मिसाल आप लिख लें, टेंट का बांस कपड़े को पूरी तरह, जी सर लिख लिया शुक्रिया, तनाव में रखता है। ठीक है, तो तनाव में रखता है, ठीक है, तो बांस को हम हड्डी से तशबीह दे सकते हैं, और टेंट को अपने यानी के गोश्त से तशबीह दे सकते हैं।
गो से तशबी दे सकते हैं। बांस यानी हड्डियां कमजोर होंगी तो रिंकल्स आ जाएंगे, झुर्रियां आ जाएंगी। ठीक है जी, तो ये मिसाल आपको हमेशा जो है याद रहेगी, और ये लिख भी लिया आपने ना, इसको इसी तरह हमने आगे डुप्लीकेट कर देना है। ठीक है सर। अच्छा आगे सर आगे पढ़ ले, ये आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है और ये जीरो से शुरू हो रहा है पॉइंट एट तक जा रहा है ना, जीरो के बाद पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री पॉइंट फोर पॉइंट फाइव पॉइंट सिक्स पॉइंट सेवन पॉइंट सेवन पॉइंट एट। ठीक है, तो ये जो है बीएमबी, ये जीरो से पॉइंट वन तक ये बीएमबी को शो कर रहा है, और दूसरी तरफ आप देखें एक दस बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी, तो ये किसको शो कर रहा है, ये एज को शो कर रहा है, उम्र को शो कर रहा है। ठीक है, इधर बीएमबी है इधर उम्र है, तो पिक्चर आपको नजर आ रही है। फीमेल जब जो है कितने साल में पहुंची, 35 साल तकरीबन, 32 साल ना, 32 साल में पहुंची, तो देखें उसका कद बिल्कुल ठीक है, यानी कि उसका उसका जो है बीएमडी भी ठीक है, यानी कि उसका बांस भी ठीक है, हड्डी भी ठीक है और गोश्त भी ठीक है। उसके बाद जब वो 40 क्रॉस किया जैसी, तो अब देखें उसका कद क्या हो गया, श्रिंक हो गया। कद क्यों श्रिंक हुआ, अब जो बांस था ना कैल्शियम थी वो कम होना शुरू होगी, फिर जब 50 क्रॉस किया और श्रिंक हो गया, 60 क्रॉस किया और श्रिंक, 70 और श्रिंक, 80 और श्रिंक, तो अब क्या हुआ जैसे ये मतलब हड्डी जो है उनकी श्रिंक होना शुरू हुई, तो उससे क्या हुआ कि पूरे चेहरे पे रिंकल जो है वो आना शुरू हो गए। ये तो फीमेल का है। अच्छा ऊपर वाला ग्राफ आप देखें मेल का है, तो मेल के अंदर ना ये रेशो ना ये कर्व जो है ना थोड़ी सी स्लो है। ठीक है, क्यों स्लो है, उसकी वजह क्या है कि अल्लाह ताला की तरफ से खवातीन को इंसान पैदा करना खातून का काम है ना, तो इसलिए खातून ने जब इंसान पैदा करना होता है तो इंसान माँ के जिस्म से बनता है ना, तो हमें ना अपनी बच्चियों की और अपने घर की खवातीन की, ठीक है, उनकी कैल्शियम की बहुत ज्यादा केयर करनी है, जरूरत से ज्यादा केयर करनी है, ताकि उनका ये प्रोसेस जो है वो कम हो। अब मेल के अंदर आप देखें, मेल के अंदर ये कर्व आपको नजर आ रही है बहुत कम है, और एंड पे आके 70 और 80 में आके तो बहुत ज्यादा गैप आपको नजर आ रहा है ना, मेल और फीमेल गैप नजर आ रहा है। तो मेल को ना कैल्शियम जो है वो उसकी निस्बत उसका जो ऑस्टियो प्रोसेस का जो अमल है वो स्लो होता है। अब देखें अच्छा लोग ना इसको कैल्शियम डेफिशिएंसी को वो कहते हैं जी नहीं हमने खून से चेक करवाया कैल्शियम पूरी है, तो खून में चेक करवाया है कैल्शियम पूरी है, तो वो कैल्शियम क्यों सर कहां से आई है, वो कैल्शियम हमने वो सर हड्डियों से आया ना, हड्डियों से लोन लिया हुआ है, हड्डियों से लोन लिया हुआ है। ठीक है, तो एक बंदा कहता है नहीं यार ये तो मेरी कैल्शियम पूरी है, आप वैसे अपनी जो है ना ये अपनी लॉजिक अपने पास रखो, तो हम उसे ये समझा सकते हैं भाई हमें बताएं कि आजकल 30 साल के बाद जो ऑस्टियो प्रोसेस आता है, ऑस्टियो प्रोसेस हो जाता है वो कोई आसमान से टपक जाता है, तो इसलिए हमारी साइंस ये कहती है कि 20 साल के बाद कैल्शियम कम होना शुरू हो जाती है, ऑस्टियो प्रोसेस एकदम आसमान से नहीं टपकता, क्या होता है हर साल हम कैल्शियम पूरी नहीं कर रहे होते तो फिर ऑस्टियो प्रोसेस आता है। तो अगर आप खून में कैल्शियम पूरी है, खून में तो कैल्शियम 40 में भी पूरी होगी, तो ऑस्टियो प्रोसेस फिर किधर से आ गया, तो पहले ऑस्टियो प्रोसेस जो था ये 40 के बाद आता था ना, 40 के बाद होता था, लेकिन अभी ये सीन नहीं है, अभी जो है ये 40 से पहले शुरू हो गया, बल्कि 30 के बाद होना शुरू हो गया है। ठीक है, और अभी आप अल्लाह माफ करे आप देखिएगा ऐसे ट्रेंड जा रहा है कि अभी आने वाले दौर में बच्चे पैदा करना कपल्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स का ख्याल नहीं रखते, और अगर एक बच्चा भी पैदा किया तो खातून की हालत ऐसी हो जाएगी जैसे बूढ़ी औरत की। ठीक है, तो ये होने जा रहा है, तो आपको और हमें इलम हासिल करना है ताकि हम सोसाइटी को सही डायरेक्शन दे सकें, और ऑपरेशंस की तादाद बढ़ रही है तो ये लंबी हो जाएगी। तो मेल के अंदर भी देखिए कैल्शियम डिक्लाइन कर रही है और फीमेल भी ज्यादा स्पीड से कर रही है ना। ठीक है, और इधर क्या लिखा है, लेफ्ट साइड पे पहले पढ़ लें, अकमुलेशन ऑफ बोन मास ना, ठीक है, बोन मास का जो है जमा होना, 70% हैज बीन अकमुलेटेड बिफोर 20 ईयर्स ओल्ड ना, ठीक है, कि 70% जो है ये 20 साल से पहले ना अकमुलेट हो जाता है। ठीक है, हड्डियां जो है हड्डियों के अंदर, ठीक है, 70% जमा हो जाता है 20 से पहले। अच्छा 10% हैज बीन अकमुलेटेड बिटवीन 20 टू 30, ठीक है, 20 से 30 साल के दरमियान फिर ना 10% जो है वो
वो अकोमुलेट होता है, जमा होता है, रीच इज द पीक एट अराउंड 30। तो 30 साल की उम्र में जो हड्डी है वो अपनी पूरी ताकत में होती है, पूरी ताकत के अंदर, यानी कि हड्डी हमारी मुकम्मल हो जाती है कब, 30 साल के अंदर। ठीक है, फिर मैं